फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैंने अपने वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लिया है जो कि राजस्थान जीके से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन परीक्षाओं में आए हुए हैं, तो एक बार रिवीजन अपना ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना देर किए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में रायका है, रायका क्या है मतलब इसका? तो इसका आंसर होगा परम्परागत ऊँट पालन पोषणकर्ता कहलाते थे रायका। परंपरागत ऊँट पालन पोषणकर्ता रायका कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमठ है इसका आंसर होगा मेवाड़ में भील आबादी वाला क्षेत्र भूमठ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है? आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार विवाह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोक नाट्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा गौरी। गौरी इसका लोक नाट्य है मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का गौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान में मीणा व भील के पश्चात तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? पहली है मीणा, फिर है भील, तीसरे नंबर पर है गरासिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सा ज़िला है जहां जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है? तो इसका आंसर है नागौर। मैं आपको जल्दी जल्दी बता रही हूँ ताकि आप सिर्फ अपना रिविज़न कर सकें, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। जब भी क्वेश्चन आता है तो आप उसे रोक कर उस क्वेश्चन को पढ़कर अच्छे से देख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेख रखना किस जाति का मुख्य कार्य है? यानी विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेख रखना किस जाति का मुख्य कार्य है? वो है भाट, जिसे बड़वा भी कहते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो पहले ही आ चुका है मीणा सर्वाधिक है, फिर भील है, फिर गरासिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेशल कंपोनेंट प्लान संबंधित है, किससे संबंधित है? अनुसूचित जाति के विकास से संबंधित है स्पेशल कंपोनेंट प्लान। अनुसूचित जाति के विकास से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीणा का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिरवी लोग किस लोक देवी के मंदिर को दरगाह कहते हैं? सिरवी लोग किस लोक देवी के मंदिर को दरगाह कहते हैं? तो वो आंसर है आई माता के मंदिर को दरगाह कहते हैं सिरवी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लीला मोरिया संस्कार आदिवासियों में किस प्रथा से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर है विवाह प्रथा से। लीला मोरिया संस्कार आदिवासियों का है, किस प्रथा से जुड़ा हुआ है? विवाह प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहरियों की छोटी बस्ती क्या कहलाती है? शहरियों की छोटी बस्ती क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है सहरना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह जनजाति जो अपराध करने से पूर्व ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करती है जिसे वे पाती मांगना कहते हैं, तो वो कौन सी है? कंजर है। क्वेश्चन जब भी आता है तो आप एक तरह से वीडियो को रोककर उसको अच्छे से समझकर आंसर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी जनजाति हाकम राजा का प्याला पीकर झूठ नहीं बोलती? तो इसका आंसर है कंजर। अपराध करने से पूर्व ईश्वर का आशीर्वाद लेती है कंजर, और हाकम राजा का प्याला पीकर झूठ नहीं बोलती कंजर जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरासियों द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा बालरू। गरासियों द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? बालरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरासियों द्वारा की जाने वाली सामूहिक कृषि को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है हारी भावरी। गरासियों द्वारा की जाने वाली सामूहिक कृषि को क्या कहते हैं? हारी भावरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में गरासियों की सर्वाधिक संख्या किन जिलों में निवास करती है, तो वो है सिरोही और उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैर गोरी नेजा गौरी नृत्य किन जनजातियों के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। गैर गोरी नेजा व गौरी नृत्य हैं, ये किन जनजातियों के लोक नृत्य हैं ये पूछ रहा है, तो इसका आंसर है भील के। गैर गोरी नेजा व गौरी नृत्य भील के हैं। नेक्स्ट है कि वह जनजाति जो अपने शरीर पर विभिन्न प्रकार के चित्र गुदवाने की परंपरा रखती है, तो कौन सी है, भील जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भील जनजाति द्वारा मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं, इसका आंसर है दजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जातियों के बिखरे इतिहास को लिपिबंध करने का कार्य क्या कहलाता है। जातियों के बिखरे इतिहास को लिपिबंध करने का कार्य क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है जजमानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचवाड़ा क्या था, इसका आंसर है मीणों के प्रसिद्ध पांच कबीले पंचवाड़ा कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विशेष पर्व पर मीणा जनजाति द्वारा शस्त्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो उसका आंसर है गोवर्धन के समय में शस्त्रों का प्रयोग नहीं करती मीणा जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की किस जाति को राष्ट्रीय पक्षी मोर से अधिक लगाव रहा है, तो वो है मीणा जाति। अतः मोरनी माड़ना इनकी परंपरा का अंग बन गया, मीणा जनजाति का, यानी मोरों से बहुत अधिक लगाव है मीणा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौहान वंश की कुल देवी हैं कौन सी हैं, शाकंभरी देवी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्त कवित्री कर्माबाई राजस्थान के किस क्षेत्र की निवासी थी, तो ये नागौर की निवासी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीण माता कौन से राजपूत वंश की कुलदेवी हैं, तो ये चौहान वंश की हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये तीनों ही। नेक्स्ट है कि कौन सा संप्रदाय निर्गुण उपासक नहीं है, तो नाथ संप्रदाय निर्गुण उपासक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है, तो नाथद्वारा है। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है नाथद्वारा। नेक्स्ट है कि संत भूरी बाई अलग का कार्य क्षेत्र था, कौन सा था, तो ये बागड़ था इनका, सॉरी इनका मेवाड़ था। संत भूरी बाई अलग का कार्य क्षेत्र मेवाड़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना किस स्थान पर हुई थी, तो इसका आंसर होगा जोधपुर। नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना किस स्थान पर हुई, जोधपुर में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के वे कौन से संत हैं जो राजस्थान छोड़कर बनारस चले गए और रामानंद के शिष्य बन गए, तो वो थे धन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा संत है जिसने फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की, आंसर है इसका दादू दयाल। नेक्स्ट है बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन आता है ये, तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर है, पर्वतसर में है। ये भी नेक्स्ट जो है, राजस्थान लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है, तो जीण माता का सबसे लंबा गीत है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता, आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है, तो ये है नानक का। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।